हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल नाग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोवन बाइकर निखिल ब्लॉग। सो आज का वीडियो का टॉपिक ये कि मैंने एक बोया माइक परचेज़ किया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इसका कॉस्ट मुझे 629 रुपीज़ पड़ा था। ओके, सो रीज़न टू परचेज दिस बोया माइक वॉज टू जो मेरा ट्राइपॉड का जो वीडियो था उसका वॉइस क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं था। सो बहुत से लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं है। सो आई परचेज दिस बोया माइक, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ऐसे कट करूँगा इसको, मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, ये आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। तो एक कट हुआ, तो ये है बोया का माइक। ओके, तो इसको भी ओपन करते हैं। इसको भी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मुझे जो मिलता है, तो फर्स्ट है कि एक जो मुझे एक मिलता है बोया का यूज़र मैनुअल, इसमें मोटी मोटी ज्ञान की बातें हैं जो कुछ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इसको रखते हैं साइड में। तो नेक्स्ट है कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ मिला है। ओके, अनबॉक्स नहीं किया है, ओपन करके देखता हूँ। खोलने के बाद इसमें कुछ है, फॉर एग्जांपल इसमें एक कनेक्टर है, बड़ा वाला एक कनेक्टर, ये कनेक्टर है बड़ा वाला। ओके, जो DSLR को कनेक्ट करने को यूज़फुल होता है। इसमें सोलर बैटरी, सिलिकॉन बैटरी भी कह सकते हैं इसको आप। और इसमें क्लिप भी आता था, क्लिप मालूम नहीं मुझे क्यों नहीं मिला मुझे। एक लेदर पाउच है, एक कॉटन है जो माइक्रोफोन के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, ये कॉटन है वो। ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन वायर, और इस पार्ट को हम कंडेंसर कहते हैं। 3.5 mm का ये जैक है, और ये माइक्रोफोन विद क्लिप है, तो क्लिप यहाँ पे है वो। और कुछ नहीं, एंटी पॉक्स सिर्फ इतना ही मुझे मिला है इसमें। ओके, सो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कंडेंसर, जो बाहर का जो वॉइस है, मींस जो मैं बात कर रहा हूँ फिर भी और बैकग्राउंड जो वॉइस है वो इसको फिल्टर करता है ये कंडेंसर। ओके, इसमें दो मोड है, कैमरा मोड और स्मार्टफोन मोड है। तो आप दोनों अगर आप DSLR यूज़ करते हो तो आपको कैमरा मोड में डालना होगा, और अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो स्मार्टफोन मोड में डालना होगा। तो इसको अनस्क्रू करते हैं। तो अनस्क्रू करने के बाद आपको कुछ ऐसा गैप मिलता है छोटा सा। ओके, तो जो आपको छोटे पैकेट में जो सिलिकॉन बैटरी मिली थी या सोलर बैटरी, इसको आप अंदर डाल सकते हो। इसका ये जो प्लस मार्किंग है जो यहाँ है, और इसका बैटरी का पर है इसके, तो यू कैन कनेक्ट इट। इसे कनेक्ट करने के बाद रिकैप करो फिर से, तो दैट्स इट। अगर आप मेरे जैसे स्मार्टफोन में आप रिकॉर्ड करते हो अपनी वॉइस, तो स्मार्टफोन मोड या कैमरा मोड, तो मैं स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करता हूँ, स्मार्टफोन मोड में शिफ्ट कर दिया। जो इसकी वायर की जो लेंथ है ये 20 फिट्स है, जो लेंथ इसकी, या ये क्लिप है जो यहाँ पे अटैच करके आप माइक्रोफोन को रख सकते हो। इस पार्ट को कहता है माइक्रोफोन। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करूँगा। ओके, तो सब सेटअप होने के बाद मैं से मिलता हूँ, और इसकी वॉइस क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में रिव्यू भी दूंगा।
connected the Boya microphone to my phone. Okay, so I'm recording this voice on my Boya microphone. So इसकी quality मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं ज़्यादा बुरी भी नहीं, okay type से. For the beginners it is okay. So if you want to purchase this microphone, then you can purchase it on Flipkart, Amazon or any other shopping site. Even it is available in offline market. मैंने 629 rupees के लिए purchase किया था. Okay, so if you like my video, then subscribe my channel and share it with your families and friends, and keep loving, keep supporting. Thanks for watching.